वृश्चिक राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वृश्चिक राशि वालों, अब आपकी किस्मत ऐसी उड़ान भरेगी कि बाज और सीते को भी पीछे छोड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आने वाले अगले 24 घंटे में आपके बंद किस्मत के ताला खुलने वाले हैं और जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाले हैं। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अब आपकी कुंडली की दिशा बदलने जा रही है। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, अब आपके कुंडली में केतु का प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपकी टेंशन भरी जिंदगी अब पहले से बेहतर होती हुई दिखाई देगी। जिन बातों को लेकर आप सोच सोच कर परेशान थे और हमेशा अपने ही टेंशन में खोए रहते थे, उनसे अब आपको पूरी तरह से निजात मिलने वाला है। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, केतु के इन प्रभाव से आप अपने दुश्मनों का सर्वनाश अपनी आंखों से देख पाएंगे। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, क्योंकि केतु जब जब अपना जलवा दिखाते हैं तब तब आपके कुंडली के सितारे बिखेरते हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, जो लोग अंदर ही अंदर आपसे जलते थे उन लोगों की दुनिया अब केतु खत्म करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत खास है और आप सभी के फायदे के लिए बनाई गई है, अतः आपसे अनुरोध है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपको बताएंगे आने वाले अगले 24 घंटे में आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, आपका नौकरी और व्यापार कैसा चलेगा, अगले 24 घंटे में केतु कैसा चमत्कार आप सभी के जीवन काल में करने वाले हैं, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी का जयकारा लग ही जाना चाहिए। चलिए दोस्तों जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों आने वाले समय में आपके लिए उत्तम फलदायक रहने वाला है। भाग्य आपका 80% साथ देता हुआ दिखाई दे रही है और नई नई दिशाओं से धन का आगमन होने वाली है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपके पिछले कुछ समय से अपने कैरियर तथा निजी जीवन संबंधी किए गए प्रयासों का फल मिलने का समय आ गया। जी हाँ दोस्तों, जो प्रयास आप पिछले समय अंतराल में किए थे, आपको ऐसा लग रहा था कि यह प्रयास व्यर्थ चला गया, तो उस प्रयास का, उस मेहनत का शोध समेत लेकर आपको मिलने वाला है। ऐसा घटनाक्रम बनेगा कि आपको कोई भी बड़ी सफलता हाथ लगेगी। आपको प्रयासों और परिश्रम को आपके सीनियर आज ध्यान से देखेंगे और वे आपके जबरदस्त समर्थक भी बन पाएंगे। इसके उपरांत आपके दुश्मन आज असहाय अनुभव करेंगे, वो लाख चाहकर भी आपका बाल तक बाका नहीं कर पाएंगे। ग्रह गोचर साफ साफ इस बात को लेकर संकेत दे रहे हैं कि आज आपके रास्ते में चाहे कोई भी आए, लेकिन आपको अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपकी मन की आवाज अब सक्रिय है और यह काम में आपका बहुत अच्छा मार्गदर्शन करेगी। आप मजे में भी आसानी से जोखिम उठा पाने की स्थिति में हैं और भाग्य आपके साथ है, फिर भी आपको कोई भी कदम उठाने से पहले दोबारा सोच विचार कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में कोई परेशानी आपके लिए खड़ी ना हो जाए, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। आप भावनाओं की बाढ़ को अनुभव करेंगे, पुराने दोस्त या परिचित के सामने आने से आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होगी। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर बिजनेस के लिए जो समय होंगे, जहां तक वित्तीय मामलों का संबंध है, आज आप एक बुद्धिमान निर्णय लेंगे और सलाह आपका उचित मार्गदर्शन करेगी, तो आज आप छोटे लाभ से भी संतुष्ट रहें, क्योंकि दोस्तों हर समय एक जैसा नहीं होता है। जीवन में कभी उतार तो कभी चढ़ाव चलते रहता है। अगर आज आपको कम लाभ हो रहे हैं तो आपको उसी में
खुश रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको ज़रूर इससे बड़ा लाभ होगा। शेयर बाजार में लगे लोग आज बड़े शेयरों से निवेश से बचना होगा। बड़ा अगर निवेश करना चाहते हैं तो आज आप बच के रहिएगा, क्योंकि उतना अच्छा समय निवेश के लिए नहीं है। बाकी कामों के लिए समय बहुत बढ़िया है। अपने भीतर की आवाज़ सुनकर अपने अंतर्ज्ञान से काम करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, इस बात की आज काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि कोई आज आपके आसपास विचार चुरा कर अपने कैरियर में प्रगति करना चाहता है। जो योजनाएं आप बना रहे हैं वह योजनाएं आज आपके लीकेज हो सकती है और कोई अन्य व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है। इसलिए किसी से भी बातचीत करते समय आपको सावधान रहना होगा और आपको चुपचाप ही रहना होगा। आपको इस समय बड़ी जो है गंभीरता से अपने हित के बारे में सोचना है और अपने लंबे सहकर्मी रह चुके लोगों के साथ भी अपनी जो है जानकारियां साझा नहीं करें। इस दौरान धीरज से काम लें तो जल्द ही आप अपने शुभ चिंतकों को भी पहचान पाएंगे कि कौन आपके पीठ पीछे ऐसा कार्य कर रहा है, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा और इसके बारे में पता करना होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके प्रेम संबंध के लिए जो समय होंगे, आज आप अपने रोमांटिक संबंध को अधिक समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप दूसरे पारिवारिक संबंधों में व्यस्त रहेंगे और आपके माता पिता या आपके बच्चे आपसे काफ़ी समय मांगेंगे। लेकिन अगर आप इन सब जिम्मेदारियों को अपने पार्टनर को भी शामिल कर लेंगे तो रोमांस के लिए भी समय निकल ही जाएगा और इससे आपके संबंध को एक नई ताजगी मिलेगी। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके करियर बिजनेस के लिए जो समय होंगे, आज आपको यह महसूस होगा कि आप अपनी नौकरी में बहुत संतुष्ट नहीं हैं जो आप चाहते थे, और आज आप अपनी नौकरी को छोड़ने के लिए अंतिम कदम भी उठा सकती हैं। हालांकि यह एक बुरी बात नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द ढेर सारे सुनहरे अवसर आपके सामने आपके पास आ सकता है और आप जो चाहते थे वो हो सकता है। हालांकि प्रारंभिक वेतन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन जहां आपको प्रसन्नता मिले वही चीज़ें आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, आज आप नकारात्मक भरे छली लोगों से दूर रहें, ये आपको भी नकारात्मक बनाकर और सफल कर देने की कोशिश में लगे रहेंगे, जबकि आप अपने मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। शांति से आज का दिन अधिकतर समय परिवार के साथ घर पर ही बिताएं और सारा बाकी काम पूरा कर लें। कुछ मीठी यादें सहेजने के लिए आप अपने कमरे में उनका फोटो लगा दें और कुछ समय आप एकांत में व्यतीत करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर जो समय है बहुत बढ़िया है और ग्रह गोचर भी बहुत बढ़िया बना हुआ है। आपको बस निरंतर मेहनत करने की आवश्यकता है, फल की चिंता ना ही करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि समय आने पर उनका फल आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, आपकी संतान की चिंता दूर होती हुई दिखाई देने वाली है और रोजी रोजगार के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए समय अत्यंत शुभ रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगले इन 24 घंटे में महापरिवर्तन और महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। आपको फंसा हुआ धन मिलेगा, रुका हुआ रुपया पैसा अचानक से आपको मिलेगा, जिससे आपके पारिवारिक माहौल में, आपके आर्थिक जीवन में कई गुना सुधार आपको दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, किसी शुभ कार्य की वजह से आपके घर में सहल पहल भरा माहौल रहेगा। जी हाँ दोस्तों, किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह संबंधित बेहतरीन प्रस्ताव आ सकता है और आपसी वार्तालाप द्वारा घर संबंधित कोई मसला भी हल होगा। लेकिन दोस्तों, खर्चों की अधिकता रहेगी और उन पर कटौती रखना भी संभव नहीं होगा, जिस वजह से आर्थिक स्थिति कुछ गड़बड़ा सकती है। पारिवारिक मामलों को व्यवस्थित ना करें वरना कोई इनका फायदा उठा सकता है और बैठे बिठाए मुसीबत में भी पड़ जाएंगे। बिजनेस के कामों में बहुत सुकन्ना रहने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, इस समय मौजूदा बिजनेस के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी ध्यान केंद्रित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे, क्योंकि दोस्तों आय का कोई नया स्रोत बनने की भी स्थिति बन रही है। स्टाफ के सहयोग से रुका हुआ काम
शुरू हो सकता है और उसमें आपको सफलता मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, परिवारजनों के बीच उचित सामंजस्य बने रहने की कोई विशेष समस्या हल हो सकती है। दैनिक कार्यों को भी सुगमता से पूरे करने का प्रयास करेंगे। घर मोहल्ले में भी मेहमान आने से खुशी भरा माहौल रहेगा और विशेष मुद्दे पर भी वार्तालाप होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई बने बनाया काम बिगड़ने से मन दुखी रहेगा। इस समय भावनाओं में ना बहकर प्रैक्टिकल तरीके से व्यवहार करें, ये आपके लिए उचित होंगे। संतान की गतिविधियों पर नजर रखें तथा उनका मार्गदर्शन करते रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगी। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे अपने सपनों तथा महत्वाकांक्षाओं के लिए प्रयत्न करने का अनुकूल समय है। रुका हुआ काम आज फिर से शुरू हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, नई योजनाएं भी बनेगी। नौकरी में कुछ दिक्कतें अभी आपकी बनी रहेगी, एक्स्ट्रा समय भी देना पड़ सकता है, तभी जाकर वह आपका सुधार होगा। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, देखिए दोस्तों अनुकूल ग्रह गोचर है, आप अपने दम पर हर काम करने की क्षमता रखेंगे। अगर घर के रख रखाव संबंधित योजनाएं बन रही है तो वास्तु सम्मत नियमों का भी पालन करना उचित रहेगा। आपने किसी हुनर को जो है निखारने का प्रयास करेंगे। कभी कभी अति आत्मविश्वास की स्थिति मुसीबत में भी डाल सकती है। ध्यान रहे पैसा आने के साथ साथ खर्चे भी सामने आएंगे। इस समय किसी भी अनचाही यात्रा से परहेज करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। युवा वर्ग अपने लक्ष्यों को जो है आंख से ओझल न होने दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, यह समय कारोबारी परेशानियों काफ़ी हद तक निवारण होगा। अनुभवी लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन आपके लिए सहायक रहेगा। नौकरी में कारभार बढ़ने की वजह से तनाव रहेगा, इसलिए व्यवस्थित रूप से अपने कार्यों की प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। देखिए दोस्तों अगले इन 24 घंटे में आपके सामने परेशानियां आएंगी, साथ ही समाधान भी मिलते जाएंगे। जी हाँ, संपत्ति संबंधित कोई विवाद चल रहा था तो वरिष्ठ लोगों की मदद से हल करने का प्रयास करें, इससे बात आपकी बन सकती है। कहीं भी निवेश करने से पहले उनकी उचित जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। ध्यान रखें किसी के साथ बात विवाद होने से आपकी परेशानियां और बढ़ सकती है। जी हाँ, दूसरों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर ना लें, ये आपके लिए बेहतर होंगी। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, यह समय बिजनेस संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए समय अनुकूल है। मौजूदा कामों पर ही ध्यान दें और शेयर्स सट्टा आदि से ताल्लुक रखने वाले लोग अभी थोड़ा सावधान रहें। जी हाँ, ऑफिस के मामलों में जो है उच्च अधिकारियों के साथ वाद विवाद में अभी आप ना पड़े तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। दाम्पत्य जीवन में सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे और गलतफहमी न बढ़ने दें तो ये आपके लिए उचित रहेंगे। दोस्तों अगर जानकारियां, जी हाँ, क्योंकि आपको क्रोध बहुत ज्यादा आता है, जैसे ही आप क्रोध करेंगे आपके मुख से ऐसी वाणी निकलेगी और आपके बनते कार्य बिगड़ने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इतना ध्यान रखना है, गुस्सा क्रोध नहीं करना है। आने वाले अगले 24 घंटे में नए बिजनेस एग्रीमेंट होंगे और उसमें आपको लाभ भी मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी निगरानी रखना बहुत जरूरी है। नौकरी पेशा लोग धैर्य रखें, इस समय आपके ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा, लेकिन काम के अनुसार लाभ भी होगा जिससे मन काफी प्रसन्न रहेगा। कहीं पैसा अटका हुआ था तो आज उसकी वापसी उम्मीद है। जी हाँ, समय बहुत अच्छा है, आपके धन धान्य में वृद्धि लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, कैरियर में प्रमोशन मिल सकता है। अगर बहुत दिनों से आपके मन में नौकरी बदलने के बारे में या फिर कोई काम कर रहे हैं बदलने के बारे में कोई चाहत थी तो आपका वह चाहत, आपका वह सपना पूरा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों
सितारे कहते हैं आज आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। हालांकि आपका उद्देश्य अच्छा है, परंतु आपकी बातों का हर स्थान पर स्वागत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं होगा, लेकिन आपका उद्देश्य, आपका सपना बहुत अच्छा है। आपको अपनी प्रवृत्ति का उपयोग अपने आप को खुशी देने के लिए भी करना चाहिए। और आज आप अपने ऊपर अच्छी खासी रकम खर्च कर सकती हैं, रुपया पैसा खर्च कर सकती हैं। जहाँ तक दूसरों के बारे में आपकी राय का सवाल है, अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, क्योंकि आपके कार्यकलापों को भी गलत समझा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा आपको सावधान और सतर्क रहना होगा। देखिए दोस्तों, आज के माहौल में ही प्यार भरा हुआ है और अपने पार्टनर के लिए कोई विशेष योजना बनाकर उन्हें सरप्राइज दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं आज के दिन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी संबंध में हैं, किसी रिलेशन में हैं, तो यह सबसे अच्छा समय है, बहुत अच्छा दिन है, जब आपको अपने संबंध का शुरुआती जादू वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए शायद दोस्तों के साथ वाइल्ड पार्टी की जगह अपने पार्टनर के साथ कुछ एकांत और अंतरंग समय बिताना अधिक अच्छा रहेगा। जो लोग अकेले हैं, सिंगल हैं, उनकी मुलाकात अपने होने वाले साथी हो सकती है, उनकी पार्टनर से हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि भाग्य अभी बहुत ही अच्छा है, ग्रह गोचर इन कामों के लिए बहुत ही बढ़िया सपोर्ट कर रही है। एक प्रकार से यूं कहे तो लव लाइफ के लिए समय बहुत ही अच्छा है। आज का दिन अपने सभी लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए एकदम सही समय है। जिन कामों को आप पहले अधूरे छोड़ रखे थे, उन कामों को सबसे पहले करने की कोशिश करें, आपको जरूर लाभ होगा। जी हाँ, और हो सके तो आप दोपहर के पहले से ही इन कामों को करने की कोशिश करें, तो आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप किन्हीं बाहरी कारणों के साथ समय पर अपना काम नहीं खत्म कर पाए हैं, इसलिए आपको शीघ्रता दिखानी होगी, कामों में थोड़ी सी आपको तेज दिखानी होगी, क्योंकि आपका काफ़ी कार्य लंबित है। आज नई प्रतिबद्धताओं का दबाव कम होगा, इसलिए आप अपनी पुरानी प्रतिबद्धताओं को समय पर खत्म कर पाएंगे। और इन्हीं सभी कार्यों को पूरा करने के बाद आराम करने के लिए आपको पर्याप्त समय भी मिलेगा और आनंद भी, क्योंकि आपने अपने सारे लंबित कार्यों को समय पर पूरा कर लिया है, अब आपको इसका लाभ उठाने का समय है। जी हाँ दोस्तों, बता दें आज आपका नाम होगा और आपको प्रसिद्धि में मिलेगी, क्योंकि दोस्तों आज आप सतर्क के स्थान पर अपने दिल की आवाज़ और प्रवृत्ति के आधार पर फैसले ले सकते हैं, लेकिन वे भी वेद के मामले में लाभकारी ही साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप इन दोनों फैसले में सबसे अधिक महत्ता अपने मन की आवाज़ को देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको भविष्य की बेहतरीन के लिए वर्तमान समय में कुछ आरामों को छोड़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ यूनिक नया करना चाहती हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये धीरे धीरे आपको अपाहिज बना रही है, धीरे धीरे आपको यूं कहें तो बर्बाद भी कर रही है, लेकिन आप अभी तक अनजान हैं। जी हाँ दोस्तों, इन बातों से आप अभी तक अनजान हैं, अगर ऐसे ही कुछ दिन और चलता रहा तो ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो सकती है। जी हाँ, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आराम को छोड़ना पड़ेगा और आपको कुछ रिस्की वाला काम करना होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं लालच आज आपके रास्ते में दिखाई देगा, लेकिन आवश्यक है कि आप सही मार्ग पर चलें। गलत और छोटे रास्ते अंत में आपके करियर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही रास्ता चुनाव करना इतना आसान नहीं होगा, और ये तभी हो सकता है जब आप लालच को अपने मन में हावी न होने देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने यह भी नहीं कर सकते, तो एक सच्चे शुभ चिंतकों की सहायता जरूर ले सकते हैं, जो लोग आपको मजबूत रहने में मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जो हमेशा तक चलता है वो आसानी से नहीं मिलता है, और जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं चलता है। इसलिए दोस्तों, आपको परिश्रम, आपको मेहनत तो करना ही होगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आज आपके सपने साकार होंगे,
जो सपना आप लंबे समय से देखते आ रहे हैं वो सपना आज हकीकत में दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों आज आपके कैरियर में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। दोस्तों अभी तक आपका कोई कार्य नहीं बन पा रहा था तो आपका वह कार्य बनने वाला है। नौकरी में विशेष सुधार देखने को मिलेंगे, रोजी रोजगार में वृद्धि होंगी, बेरोजगारी की समस्या अब आपकी दूर होंगी। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगी, आज के दिन सरकारी क्षेत्रों से आज आपको लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हैं उनको भी सफलता के योग बन रहे हैं। जी हाँ, साथ ही धन संपत्ति के मामले में लाभ होगा। रुका हुआ पेंडिंग में पड़ा हुआ काम आज आप पूरा कर सकते हैं। माता पिता का आशीर्वाद मिल रही है, घर का पूरा परिवार सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग मिल रहा है। महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत आज आप कर सकते हैं, किसी नए कामों की शुरुआत आज आप कर सकते हैं जिसमें भाग्य भी आपका साथ देगा और आपको उसमें लाभ होगा। क्योंकि दोस्तों सितारे कहते हैं कि आपके मन की आवाज़ अब सक्रिय है और हर कामों में आपका बहुत अच्छा मार्गदर्शन करेगी। जी हाँ दोस्तों, आप मज़े मज़े में भी आसानी से जोखिम उठा पाने की स्थिति में हैं। भाग्य आपके साथ है, फिर भी आज आपको कोई भी कदम उठाने से पहले दोबारा सोच विचार कर लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपकी आदत है बिना सोचे समझे कहीं पर भी कूद पड़ती हैं, जिसका अंजाम बुरा होता है। लेकिन इस बार आपको सोच समझकर ही कोई कदम बढ़ाना है, इतना ध्यान रखिएगा। आप भावनाओं की बाढ़ को अनुभव करेंगे, पुराने दोस्तों या परिचितों के सामने आने से आपको खुशी होगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों आपकी लव लाइफ में रोचक समय चल रहा है। जिन्होंने अभी तक किसी साथी के साथ संबंध की शुरुआत की है उन्हें इसे मजबूत बनाने के तरीके के बारे में सोच विचार करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप दोनों प्यार और प्रतिभा दोनों को ही एक साथ बहुत अच्छे से लेकर चल सकती हैं। अपने भविष्य के बारे में सोच को खुली रखें, लेकिन अभी कोई भी योजना सुनिश्चित ना करें। जी हाँ दोस्तों, केवल समय के साथ चलते रहें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या सही है और क्या गलत है ये सब कुछ आपको समय पर छोड़ देनी है, क्योंकि समय बहुत ही बलवान होता है, समय आपको सब कुछ बता देगा। जी हाँ, इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, कार्यस्थल पर प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता, आपके खिलाफ की गई कुछ कार्यवाही करने के कारण प्रतिभा हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आप पर संगठन का विश्वास और गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप लगाया जा सकता है। वहीं दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, आप अपने आप को शांत बनाए रखें और अन्य लोगों की जरूरतों पर विचार करें, बहुत ही जल्द अपने पक्ष में होगा। देखिए दोस्तों, आज आप खरीदारी संबंधित किसी ऑफर या लॉटरी टिकट खरीदने का जोखिम उठा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका भाग्य आपके साथ है, इसलिए जीतने का अच्छा मौका आपके पास होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ में कदम उठाना चाहते हैं तो भाग्य आपका साथ ज़रूर देगा, लेकिन फिर भी सोच विचार करके ही कदम उठाना है, इतना ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, स्थिति आपसे अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ बने रहने की अपेक्षा कर सकती है। आपकी चुप्पी को गलत समझा जा सकता है और उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे, यही बेहतर होगा। आप किसी को अपने खिलाफ राय बनाने का मौका ना दें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके प्रेम संबंध के लिए जो समय होंगे, आपको अपने काफ़ी व्यस्त परीक्षण कार्यक्रम में बावजूद अपने साथी को खुश कर देने के मौके ढूंढने की सलाह दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपके संबंध से आपको इतना प्यार मिला है जिसका दूसरे लोग सिर्फ सपना ही देख पाते हैं, शायद आप इसलिए इसकी कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक दूसरे का समझने का प्रयास करें, अपने प्रिय के लिए कोई गीत या कोई गाना कंपोज कर सकती हैं या उन्हें कोई तस्वीर फ्रेम में करके देख सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर बिजनेस के लिए जो समय होंगे, आज आप में जिम्मेदारी से बचने के लिए एक प्रभावी व्यक्ति रहेगी।
लेकिन ये स्थिति आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपकी मुसीबत को बढ़ा सकती है। जी हाँ दोस्तों, तथ्य यह है कि किसी भी वास्तविकता इच्छिक से प्रेरित न होकर अपने जो है कड़ी मेहनत और ईमानदारी के प्रयास आज आपको सफलता एवं पुरस्कार दिला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पिछले समय अंतराल में आप मेहनत की हैं उनका फल आज आपको मिलने की पूरी संभावना बन रही है। जी हाँ, आपको बस मेहनत करते रहना है। जिस तरह से मेहनत आप पहले कर रहे थे उसी तरह से मेहनत करते रहना है, और जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं आपको उसी रास्ते में निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जी हाँ, सफलता के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, बस उनका फल मिलने का समय है। जी हाँ, अगर आप थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे, थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस को आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे तो आपको वो सभी चीज़ें मिलेगी जिन चीज़ों की आपने कल्पना करते आ रहे हैं, सपना देखते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे आपके हर कामों में आत्मविश्वास की झलक दिखेगी। जी हाँ, कुछ समय पहले बहुत मुश्किल दिखने वाली बाधाएं आज आसानी से पार हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए सोने पे सुहागा होने वाला है, क्योंकि आज आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे और आपको उसमें सफलता उम्मीद से ज़्यादा मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी संवाद कुशलता अब पहले से बेहतर है और आप लोगों के चलते विश्वास के झलक लेकर अपनी बात साझा कर पाएंगे। दिन मुश्किल परियोजना पर काम करने के लिए उपयुक्त है। जो काम बहुत दिन पहले आपको लग रहा था ये काम नहीं होगा, लेकिन उस कामों को आज आप करने की कोशिश करें, सफलता आपकी कदम चूमेगी। क्योंकि दोस्तों, भाग्य ग्रह गोचर पूरी तरह से आपकी अनुकूल है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज आपको अपने कार्य के लिए विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी बारीकी से आपकी प्रगति को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी उनकी निगाहें आपके ऊपर बनी हुई हैं। आपके लिए बेहतर यही होगा कि तन मन से काम करें, आपकी प्रमोशन आदि हो सकती है। जी हाँ, वे आपके समर्पण भाव और मजबूत नेतृत्व के गुणों से प्रभावित होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आपके थोड़े अधिक प्रयासों से आपके करियर को एक नई गति मिल सकती है। जी हाँ, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके इन गुणों को ध्यान में रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, काफ़ी समय से जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही है, कुछ मज़ेदार भी नहीं हो पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अपनी नीरज जिंदगी में कुछ साहसिक गतिविधियाँ शामिल करें। अपने पसंदीदा पर्यटन स्थल पर जा सकती हैं या कहीं भी बाहर घूमने जाएं। महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने के लिए कुछ समय तक खुद को कुछ समय सामाजिक और निजी गतिविधियों से दूर कर लें, ताकि एकाग्रता से काम कर पाएं। जी हाँ दोस्तों, तभी आपको उसमें लाभ होगा। अगर आप समय पर कोई भी काम करेंगे तो आपको उसमें लाभ जरूर होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आप जो चाहते हैं वे सब कुछ हासिल करने की आप में शक्ति है, आप में जुनून है। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इस तरफ आप अपना ध्यान ना दें। जी हाँ, क्योंकि लोग अमरूद खरीदते वक्त भी कहते हैं मीठे हैं ना, लेकिन बाद में उसे नमक लगा कर खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, वे लोग इस तरह का दिखावा कर सकते हैं जिससे आपको नीचा दिखना पड़े, पर अंदर से वे लोग जानते हैं कि आप में अपार प्रतिभा है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे, आप अपने आत्मविश्वास का आनंद लें, क्योंकि आपका खेल खेलने से पहले ही जीतना तय है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ज़रूरत है आपको अपने कामों पर ही ध्यान देने की। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत अच्छे हैं। व्यवसाय में कुछ नए अनुबंध मिल सकते हैं। जल्दबाजी की बजाय गंभीरता से और सावधानी से काम करें, पूरे करें तो आपके लिए बेहतर रहेंगे। नौकरी पेशा लोग अपने प्रमोशन संबंधित कागजात कंप्लीट रखें, क्योंकि कोई परेशानी आने पर वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए ही उचित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको लापरवाही करने से बचना होगा। सोसाइटी अथवा सामाजिक गतिविधियों में
महत्वपूर्ण लोगों से मेलजोल बढ़ेंगे तथा यह संपर्क आपके लिए फायदेमंद भी साबित होंगे। अगर कोई पेमेंट आदि फंसी हुई थी, कहीं पर पैसा रुका हुआ था, तो आज प्रयास करने पर वसूल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपकी काम बन सकती है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय आय का कोई रुका हुआ साधन पुनः शुरू हो सकता है। आप बुद्धिमान व होशियारी से सभी काम बेहतरीन तरीके से पूरे कर पाएंगे, जिसमें आपको लाभ होगा। विद्यार्थी वर्ग भी व्यर्थ की बातों पर ध्यान हटाकर अपने अध्ययन के प्रति जागरूक रहेंगे। रिश्तेदारों से चल रहे किसी पुराने मतभेद का निपटारा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे अपने भावुकता पर और उदारता की अधिकता पर विजय हासिल कर लें, क्योंकि इन आदतों की वजह से आप अपनी नुकसान कर बैठेंगे। जी हाँ, नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल जरूर कर लें, आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में, लॉटरी सट्टे में, म्यूचुअल फंड में, कहीं पर भी आप धन निवेश करना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में दोबारा सोच विचार कर लें, आपके लिए बेहतर होंगे। नहीं तो आगे चलकर आपको परेशानी हो सकती है। व्यवसायिक क्षेत्र में नई पार्टियों के साथ व्यवहार करते समय सावधान रहें, इस समय बहुत मेहनत की जरूरत है। जी हाँ, राजनीतिक तथा महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बनेंगे। वहीं दोस्तों, अनुचित कार्यों से दूर रहने का प्रयास करें, ऑफिस में अत्यधिक कार्यभार रहेगा। लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है और इसका असर आपके करियर पर भी पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करने का प्रयास करें और जितना हो सके खुश रहने का प्रयास करें, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने का प्रयास करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे और इससे मन भी आपका शांत रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।